हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, वैसे सबके लिए है, लेकिन जो अभी फिलहाल की बात करूं तो यूपी में जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है। देखिए दोस्तों, लेखपाल का नाम लेता हूं तो बहुत यार दुख जाता है कि दोस्तों मैं एग्जाम दे नहीं पाया, 0.4 से रह गया, तो बहुत ही दुख होता है दोस्तों। लेकिन चलिए ठीक है। तो देखिए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। नरेगा यानी कि मनरेगा, ए टू जेड पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। और आपसे बता दूं कि यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो योजनाएं जो हैं जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नरेगा जो कि नरेगा का फुल फॉर्म भी बहुत ही कॉमन है, वही आ सकता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये देखिए, इसका हिंदी क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जो कि ये अधिनियम कब आता है नरेगा का, ये 2005 में बनता है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं उस समय, श्री मनमोहन सिंह जी होते हैं। इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, शुरुआत एक्ट बना 2005 को, नरेगा एक्ट कब बना, 2005 को, लेकिन शुरुआत कब हुई, स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट होता 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट होती है, शुरुआत होता है ये नरेगा। ठीक है, और कहाँ से होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्लेस से, कौन से स्टेट से, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और देखिए, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, शुरू में कितने जिलों से स्टार्ट होता है, 27 जिलों में, ठीक, सॉरी, कितने स्टेट से, 27 स्टेट से, और जिले होते हैं 200 जिले। ठीक है, 27 राज्यों में 200 जिले से ये नरेगा शुरुआत होता है। और गोवा को छोड़कर अगर आपसे पूछा जाए 27 जिलों में से कौन सा स्टेट नहीं, वहां पर नहीं शुरुआत हुई नरेगा की, तो गोवा को छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया ना? अब देखिए आगे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो श्री मनमोहन सिंह जी थे। और देखिए, बिहार और यूपी के जिले सबसे ज्यादा थे, बिहार के 23 जिले थे, यूपी के 22 जिले थे। ठीक है, और देखिए, ये 1 अप्रैल 2008 को डेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, क्या, नरेगा, मनरेगा नहीं, नरेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है, 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को, डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मनरेगा का, इसका कैसे क्या हुआ थे? देखिए, ये मनरेगा बना, मनरेगा का आप जानते हैं, इतने भोले तो है नहीं आपकी, मनरेगा का मैंने महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी जी नाम जुड़ जाता है। ओके, तो ये कब जुड़ता है, मनरेगा कब बनता है नरेगा से, तो ये बनता है 2 अक्टूबर 2009 को। डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेगा से मनरेगा में परिवर्तन ये कब हुआ, तो 2009, क्या, 2 अक्टूबर 2009 को। ओके, ये नरेगा के बदले मनरेगा बना। ठीक है, याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी या भुखमरी से छुटकारा दिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि साल में कम से कम 100 दिन, प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन काम करना, मतलब काम देना अनिवार्य था, इसमें कम से कम 100 दिन काम देना चाहिए। अब देखिए, मनरेगा एक क्या है, कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो मनरेगा है, अब देखिए नरेगा काम खत्म 2009 के पहले था नरेगा, अब आ जाता है मनरेगा, यह आप याद रखिएगा, तो इसका काम का क्या है, यानी मनरेगा एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आप अधिकार ले सकते हैं, यदि आपको गाँव में है ये काम नहीं मिल रहा तो आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए, इसमें क्या है आगे पॉइंट, तो केंद्र और राज्य का अनुपात वर्तमान में, मतलब मजदूरी के जो दिए जाते हैं उसका अनुपात क्या है केंद्र और राज्य के बीच, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहले कुछ डिफरेंट था, अलग था, 25 का, लेकिन वर्तमान में 90:10 का है। ठीक है, 90 इसमें क्या है केंद्र का और 10 किसका राज्य का है, और इसमें अनिवार्य है 33% महिलाओं होना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं, मनरेगा जो काम करेंगे इसमें 33% महिलाएं अनिवार्य हैं, और ये महज 15 दिन के अंदर ये मजदूरी
मतलब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब उनका पेमेंट दे देना चाहिए, कितने, 15 दिन में, ठीक है। तो भाई आप जान सकते हैं हकीकत में क्या होता है भाई, कहीं कहीं तो पूरा मार ही लिया जाता है, पैसा भी नहीं दिया जाता, ऐसा काम होता है। अब देखिए अगला पॉइंट पॉइंट क्या है, यूपी में दैनिक मजदूरी क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूपी का एग्जाम है तो इसमें 2020 में 1 जून 2020 को ये यहाँ पर लागू होता है। इसके पहले बहुत ही कम 132, 2014-14 के अंतराल में 132 रुपए से कुछ थी, लेकिन अब है 204 रुपए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग मजदूरी होती है, ठीक है, लेकिन आपको यूपी का याद रखना जो कि 204 रुपए प्रतिदिन है। अब देखिए या फिर इससे मतलब कम से कम 202 रुपए होना ही चाहिए, ठीक है, 202 रुपए किसी भी स्टेट में 202 रुपए होना ही चाहिए, लेकिन यूपी में क्या है 204 रुपए है। अब देखिए अगला पॉइंट है जो कि आदिवासियों के लिए 150 दिन काम अनिवार्य है, कम से कम 150 दिन काम देना अनिवार्य है, और ऐसे 100 दिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे कुछ पॉइंट आप क्लियर हो गए नरेगा और मनरेगा से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनने वाला है, आप स्क्रीन शॉट इसकी ले सकते हैं। और देखिए गाइस आप कमेंट करिए तो इसमें जो यूपी की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, तो क्वेश्चन कंफर्म आप कर लीजिए, कहीं से अगर मैं क्लास नहीं दे रहा या ना दे पाऊँ तो आप कहीं से, ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इनके डेट पूछी जाती है, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, सड़क योजना, अंत्योदय योजना, इनकी डेट पूछी जाती है, कब से लागू हुए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस तरह की डेट आपसे पूछी जाएंगी, तो ये सारे कुछ डेट आप क्लियर करेंगे और आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं क्लास भी बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हों उनके पास पहुंच सके और ये टॉपिक क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।